किसान दीदी भैया, क्योंकि अब धान की रोपाई का समय आ गया है, तो आप लोगों ने नर्सरी भी लगा ली होगी और खेत की तैयारी भी कर ली होगी। अब जरूरी यह है कि हम धान की रोपाई में लग जाएं। कौन नहीं चाहता कि उसकी फसल अच्छी हो और उपज ज्यादा हो? यही तो हमारे मेहनत का फल होता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अच्छी उपज पाने के लिए हम धान की रोपाई कैसे करें। यह बहुत ही आसान है, बस हमें अपने तरीके में थोड़ा सा सुधार लाना है जिससे हम अच्छी उपज ले सकते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात है कि धान का बिछड़ा कम दिनों का हो। 8 से 14 दिनों के बिछड़े रुपाई के लिए उपयुक्त होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम उम्र के बिछड़े कैसे लगेंगे खेत में, तो यह बात जान लेना आपको बहुत ही जरूरी है कि छोटे बिछड़े आसानी से लगते हैं एवं कलियां भी ज्यादा निकलती है जिससे उपज काफी बढ़ जाती है। सिर्फ ध्यान रखें कि बिछड़े को सावधानी से उखाड़ें जिससे उसकी जड़ों में मिट्टी लगी रहे। ऐसे में बिछड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। अब दूसरी जरूरी बात, रुपाई के समय यह आवश्यक है कि बिछड़े से बिछड़े की दूरी 10 इंच रखें एवं एक एक बिछड़ा ही लगाएं। इससे पौधों को एवं जड़ों को बराबर से फैलने का मौका मिलता है, तो पैदावार भी अच्छी होगी। एक और बात, बिछड़े की रोपाई ऐसे करें जिससे कि उसका जड़ ही सिर्फ मिट्टी के अंदर जाए। ये देखिए, बिछड़े में ठीक जड़ के ऊपर एक गांठ होती है जो मिट्टी के सतह पर रहने से ज्यादा कलियां देती है, और अगर मिट्टी के अंदर चली जाए तो कलियां कम निकलती है। इसलिए ध्यान दें कि बिछड़े को ज्यादा गहरा ना लगाएं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि दाएं तरफ वाले पौधे में कलियों की संख्या बाएं तरफ वाले पौधे के मुकाबले कम है, क्योंकि दाएं तरफ वाले पौधे की रोपाई ज्यादा गहरी की गई थी जिस वजह से इसमें कलियां कम आई है। तो देखा ना आप लोगों ने कि अच्छी उपज पाने के लिए हमें किस प्रकार से धान की रोपाई करनी चाहिए। सबसे जरूरी है कि बिछड़े से बिछड़े की दूरी 10 इंच हो और बिछड़े कम दिनों का हो। ध्यान दें कि बिछड़े को ज्यादा गहरा ना रोपें। चलिए अब कुछ दीदियों से भी मिल लिया जाए जिन्होंने इस तरीके से धान की रोपाई की और उससे लाभ उठाया। नाम तो कमली देवी है। इनकी बार हम नए तरीका से धान रोप लिया। इनकी बार हम 10-10 इंची के दूरी पर एक एक गो बिचरा लगा ले छे। पहले तो सोचते रही है एक गो बिचरा रोपे तो होता ही की ना। तखनी हमारे बेटा रोपत रहे ना, उस समय में हम तो बहुत गुस्सा भेलियै रह। तखनी हम कहते रही की एगो एगो रोपे से कथी होते, माथा पर हाथ कपार पटकत रहिये कि हमरा होता ही की ना। लेकिन ये तो बहुत बढ़िया भेलै। हमरे नाम है मालती देवी। हमू नया तरीका से हमकी धान रोपली, तमकी हमरा उपज ज्यादा देलक है। पहले जैसे तैसे रोप देते रही, चारों ओर रोप देते, एको बित्ता पर हो जाते रहे, कहूँ घन हो जाते रहे, कहूँ अलग हो जाते रहे। आप नया तरीका से बनाली है तो 10-10 इंची पर रोप लिए है तो एक रंग धारी भेल है। अब बाल भी हमकी दूध भर गई है तो पानी पटली है तो बाल डबल डबल भेल है। पहले हमरा 1.25 कट्ठा में 80 किलो होते लकड़ा, आ हमकी हमरा 2 क्विंटल भेलक है, मतलब 2 गुना से हमरा ज्यादा भेलक है। कहूँ सब नया तरीका से खेती करू और उपज बढ़ाऊ।